ओके गाइस, ये भैया आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि गाइस अगर आप भी व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हो, और व्हाट्सअप का जरूरी नहीं है कि आप व्हाट्सअप बिजनेस इस्तेमाल करते हो या व्हाट्सअप नॉर्मल इस्तेमाल करते हो, दोनों के लिए ही दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट है भाई। और अपडेट ये है कि अगर आप भी व्हाट्सअप को लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करना चाहते हो, यानी आप चाहते हो कि भैया व्हाट्सअप के यूज़र आप बने रहें, तो उसके लिए जो व्हाट्सएप की जो गाइडलाइंस है, यानी जो व्हाट्सएप की पॉलिसी है, उसको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि व्हाट्सएप जो है अकाउंट बैन कर देगा। वो दोस्तों इस बिहा पे बैन करेगा, क्योंकि भैया देखिए अभी बड़ा सिंपल सा केस है। अगर मैं अक्टूबर के डेटा की बात करूँ तो अक्टूबर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख अकाउंट व्हाट्सएप ने बैन कर दिया, यानी 20 लाख यूजर्स का जो अकाउंट है व्हाट्सएप का, उसको परमानेंटली बैन कर दिया। और उसके बाद उसका कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सस्पिशियस एक्टिविटी या कुछ इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई थी अभी कुछ टाइम पहले, काफ़ी दिन हो गया। अगर आप जाएंगे चैनल के ऊपर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको देखने को वो मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पर अक्टूबर के मंथ में 20 लाख अकाउंट राउंड फिगर में बंद हुए थे, और अगर बात करें नवंबर के अंदर, तो नवंबर में गाइस यहाँ पे 17 लाख अकाउंट अगेन बैन हो गए। अब दिसंबर का डेटा जब नेक्स्ट मंथ में आएगा तो डेफिनेटली आपको अपडेट मिल जाएगा। बट मैं आपको फिर भी यही गाइड करूँगा कि भाई देखो, व्हाट्सअप को इस्तेमाल करना है तो उसको जिस माध्यम के लिए वो बनाया गया, उस चीज़ के लिए इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग आपने नोटिस किया होगा कि व्हाट्सअप बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स लाता है, चाहे वो फॉरवर्डिंग से रिलेटेड हो या मतलब बहुत सारी चीज़ें, कि ताकि जो फेक न्यूज़ वगैरह होती है उसको किसी न किसी तरीके से स्टॉप किया जाए, या जो बल्क मैसेजेस लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी मतलब ऐसी चीज़ें जो उसके ऊपर वो उसकी पॉलिसी का उल्लंघन करता है। बड़ा सिंपल सा केस है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपका अकाउंट तो बैन होगा ही होगा। इसके रिगार्डिंग मेरे पास में भी बहुत सारे व्हाट्सअप आए थे, जब मैंने वो वाली व्हाट्सअप की वीडियो बनाया था कि व्हाट्सअप का अकाउंट जो है बैन हो जाएगा, बैन करने के बाद आपने क्या करना है, वो भी मैंने उस वीडियो के अंदर बनाया था। नहीं देखा आपने, आई बटन में जाके देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप देखो, आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और देखो, अगर ऑफिशियल मेल पे अगर आप मेल ड्रॉप करते हो, उधर से रिप्लाई आता है, अगर मान लीजिए अगर उधर से रिप्लाई आता है कि भाई आपका अकाउंट अनबैन नहीं किया जाएगा, तो आप समझ लो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर सकते हो, मल्टीपल आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो बाय मेल कि सर ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, कि आपके मन में ये चलो कि बाकी आखिर में बंद होता क्यों है, राइट। मैंने दोस्तों उस वीडियो के अंदर, जिस वीडियो की मैं बता रहा हूँ, आई बटन में मिल जाएगी, उस वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बताया है, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, आप समझिए बात को, कि भाई अगर आप कभी भी कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो व्हाट्सअप अलाउ नहीं करता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप ऐसा कोई न्यूज़ फैला रहे हैं कि अच्छा भैया वहाँ पे आतंकवाद होने वाला, वहाँ पे ऐसा बम ब्लास्ट होने वाला है इस तरीके से, या मान लीजिए कोई सी ऐसी न्यूडिटी से रिलेटेड आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, या बल्क मैसेजेस बार बार फॉरवर्ड कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ये एक केस नहीं, ये तो दो तीन केस मैंने गिनवाए, ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं। और साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ ऐसा है कि अनऑथराइज एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना, यानी आपने नाम सुना होगा गोल्डन व्हाट्सअप, GB व्हाट्सअप, स्मार्ट पता नहीं कौन कौन से, ब्लू व्हाट्सअप, ऐसे से पता नहीं कितने तो व्हाट्सअप के वेरिएंट आ चुके हैं। बट मैं आपको पर्सनली ये सजेशन करूंगा कि अगर आप अपने डेटा को बचाना चाहते हो, अपने डेटा को सिक्योर करना चाहते हो, देखो अब आपके माइंड में चल रहा होगा यार व्हाट्सअप पे कौन सा डेटा सिक्योर है, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्राइवेसी आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के, जो अनऑफिशियल एप्लीकेशन, तो उनसे तो इसके ऊपर कम से कम आपको विश्वास तो थोड़ा सा तो रहेगा ही रहेगा, राइट। तो इसलिए मेरा यहाँ पर सजेशन यही है कि ट्राई कि भैया जो ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है व्हाट्सएप के, चाहे व्हाट्सएप वो बिजनेस हो या व्हाट्सएप वो नॉर्मल हो, आप उसी को ही इस्तेमाल करें, वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, कहीं से भी ऐसे APK वगैरह मत इस्तेमाल करें। APK बेसिकली जो एंड्रॉयड के अंदर चलती है उसको APK फॉर्मेट बोला जाता है। तो इसलिए आपने बड़ा सिंपल सा यही काम करना है कि इन सारी चीज़ों से बचना है, ताकि चाहकर भी किसी भी वजह से आपका अकाउंट बैन ना हो, यानी कि वो जो लाखों की जो संख्या आती है ना कि लोग, इतने लोगों का अकाउंट बैन हो गया, इतने लोगों का अकाउंट बैन हो गया, तो उस संख्या में आप ना आए, यानी उनकी गिनती में आप ना आए। तो उसके लिए बस आपको यही करना है कि आपको इन सभी चीज़ों से बचना है, और बचने के लिए बस वही ध्यान रखना है कि उसकी किसी भी पॉलिसी का आप उल्लंघन मत करो। व्हाट्सअप जनरली अगर चैट के लिए दिया है तो आप उसको उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें, ना कि किसी इनलीगल काम के लिए या ऐसे किसी भी गलत काम के लिए आप इस्तेमाल करें, डेफिनेटली आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आई विल ट्राई कि उस सारे सवालों के जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो कैसी लगी भैया, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी ऐसी गलती करने से बच जाएं, ताकि ऐसा ना हो
कि वो पता चला न्यूज के ऊपर न्यूज या कुछ भी खतरनाक चीज ऐसी वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, और जब बैंड हो जाए अकाउंट तो उस परेशान रहे कि अब अनबैंड कैसे करें। तो इसलिए आपको बच के रहना है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की आईडी है, डायरेक्ट आप मुझे वहां पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद।